तो यार एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरी एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम अपना इवेंट कवर करने वाले हैं जिसमें फेडेड व्हील है वन पंच मैन, जिसमें हमारे पंच का जो फिस्ट है उसके ऊपर जो फ्लेम आता है हमारा फिस्ट फ्लेमिंग वो है, उसके अलावा इमोट है वन पंच का। तो ये फाइनली हमारे सर्वर में लॉन्च हो चुका है और ये इंडिया सर्वर में कब आएगा और कब देखने को मिलेगा दूसरे सर्वर्स में, तो आज उसी पर बात करेंगे। तो उससे पहले जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, मेक श्योर आपने बेल आइकन जो अपना ऑल पर सेट किया हो, क्योंकि हमारे चैनल पर भाई काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं वो सब्सक्राइब किए बगैर चले जाते हैं, वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई ऐसा मत करो, सब्सक्राइब करो, साथ में घंटा है उसको दबाओ, ऑल पर सेट करो, वीडियो को लाइक कर दो और एक शेयर आपका बनता है। तो यहाँ पर भाई हम इस इवेंट में कवर करेंगे ये सब कुछ, लेकिन उससे पहले भाई हम आप लोगों को दिखाते हैं एक न्यू इवेंट है भाई, जिसमें हम लोगों को हमारा ये जो है रोजी स्माइली बंडल मेल और फीमेल का, और उसके साथ हमारा यहाँ पर और भी क्लोन मेल और फीमेल जो नाइट क्लोन पहले हमारे आए थे वो वाले बंडल देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें हमारे ये स्माइली की, तो इसके जो हेयर और फेस है वो सबसे ज़्यादा मतलब इस वक्त खौफनाक और अच्छा लग रहा है, लेकिन मतलब बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कौन सा अच्छा लग रहा है ये इस वक्त नाइट क्लोन जो ओल्ड बंडल है वो वाला और स्माइली रोज जो न्यू बंडल है हमारा उसमें से। और यहाँ पर हमारी जो ग्लो वाल की स्किन है वो भी हमें इस सर्वर में देखने को मिल रही है, वापस आ चुकी है हमारे सर्वर में, तो वो भी हम लोग आज निकालेंगे। तो ये सब कुछ निकालेंगे और देखते हैं कितने डायमंड्स में निकलता है। तो यहाँ पर डायमंड देख लो, मेरे पास 9000 डायमंड है, सिर्फ कुछ ही डायमंड्स कम है। तो यहाँ पर अभी हम 350 का एक रेट है इसका, तो हम यहाँ पर इसके क्रेट्स ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला क्रेट ओपन किया, ये होप के यहाँ पर हमें जो है मतलब इनके ब्लैक पर्ल के अंदर से ही शायद कोई बंडल निकल आए, शायद वाली बात है। आप लोग डायमंड्स देखते जाना मेरे कितने ज़्यादा लगेंगे, एटलीस्ट यहाँ पर मुझे जो डायमंड्स हैं मेरे ख्याल में वो मुझे कम से कम भी भाई जो है 5000 डायमंड्स लग जाएंगे इजीली, जहाँ तक मेरा माइंड है। तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों को कोई बंडल निकला नहीं है, 67 हमारे पास जो है वो हो चुके हैं स्टोन्स। तो अभी हम लोग को और भी बहुत सारे चाहिए, तो अभी हम एक साथ सारे के सारे जो है इनको ओपन करते हैं। तो आप लोग तब तक लाइक करते जाओ भाई, 1000 लाइक है आज की वीडियो का, तो आई होप आप लोग ये पूरा कर दो। तो यहाँ पर भाई हमें फाइनली थोड़े से ज़्यादा निकले हैं, पिछली बार की तरह एक एक मतलब नहीं निकला, इस बार कोई दो दो तीन तीन पाँच पाँच इस तरह निकले हैं। तो इस बार चेक करते हैं, इस बार भी हमें 5-4 और फिर से एक एक, और भाई यहाँ पर 8 भी निकले हैं भाई हमें। तो यहाँ पर अभी हमें और भी बहुत सारे ओपन करने, क्योंकि हमें ये चारों के चारों बंडल निकालने हैं। आप लोग बताओ कि आप लोग इन दोनों बंडल में से, अरे भाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टोन मुझे अभी निकले हैं भाई, मज़ा आ गया यार देख के। तो यहाँ पर और भी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं स्टोन्स हमारे। तो यहाँ पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ भाई कि यहाँ पर मुझे शायद ही निकल आए। तो गाइस मैं बताता चलूँ आप लोगों को कि आप लोग मुझे इन गेम में फॉलो कर सकते हो, मेरी गेम की आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप लोग मुझे पिन कर वहाँ से आप लोग मेरी आईडी को जाओ जाके गेम के अंदर पेस्ट करो ऐड फ्रेंड में, और वहाँ से आप लोग जो है मुझे फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पर भाई साहब जो है हमारा ये बंडल फाइनल निकल रहा है, 221 टोकन हमारे पास हो चुके हैं भाई। तो यहाँ पर फाइनली हम सबसे पहले अपना स्माइली रोजी स्माइली कुछ ऐसा नेम है, हाँ रोजी स्माइली इस बंडल का नेम है, तो ये क्लेम किया, जो देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रहा है भाई, मुझे सच में बहुत ओपी लग रहा है, क्योंकि इसका आप लोग फेस देख सकते हो, इसने रोज़ पकड़ा हुआ है, उसके हेयर सबसे ज़्यादा बेस्ट जो चीज़ लगी है मुझे इसकी वो लगे हैं हेयर्स, बहुत ही ज़्यादा ओपी और नेक्स्ट लेवल के लग रहे हैं। अभी यहाँ पर हमारा मेल जो है हमने क्लेम कर लिया, फीमेल रहता है, उसके बाद नाइट क्लोन है और हमारी ग्लो वाल है और एक फीमेल नाइट क्लोन। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि मुझे कौन से लेने चाहिए थे इनमें से, कौन से नहीं, लेकिन मैं तो भाई यहाँ पर नाइट क्लोन भी निकाल लिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई मेरा नाइट क्लोन बंडल भी फाइनली आ चुका है बाहर, तो भाई बहुत ज़बरदस्त मेरा सच में ये मेरा, मैं जब ये बंडल नहीं ले सकता था तो मेरा ड्रीम था यार भाई काश कभी मैं ये बंडल ले सकूँ, मतलब मैजिक क्यूब भी आए थे पिछले दिनों में, उनमें भी ये बंडल आया था, मैं नहीं ले सका था क्योंकि मेरे पास मैजिक क्यूब कम पड़ गया था। लेकिन फाइनली अभी हमने ये जो है निकाल ली, और अभी हम ग्लो वाल भी निकाल रहे हैं भाई, ये बहुत ज़बरदस्त ग्लो वाल, ये ग्लो वाल काफ़ी पहले की आई हुई है लेकिन मैं नहीं निकाल सकता था तब, लेकिन अभी आप लोग देख सकते हो मैंने ये ग्लो वाल निकाल लिया भाई। तो ये अभी इसको तो क्विक क्विक वाइप करेंगे क्योंकि बहुत ज़बरदस्त लग रही है। और यहाँ पर लाइट का भाई ब्लैक आउट हो गया पूरे पाकिस्तान में, आई डोंट नो वाई, तो ब्लैक आउट चल रहा है पाकिस्तान में लाइट का, तो वो भी पता नहीं है कब आएगी भाई। तो उसके अलावा यहाँ पर अभी हमारे पास रह गए मेल फीमेल, दोनों के दोनों फीमेल कॉस्ट्यूम रह गए। आप लोग कमेंट करना है कि मुझे ये निकालने चाहिए या नहीं, लेकिन मैं भी इनको निकाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमारे यहाँ पर वो तीन चीज़ें निकाल ली, तो ये भी दो चीज़ें हम निकाल लेते हैं क्योंकि हमारी ज़्यादा डायमंड्स नहीं लगेंगे। अभी तक हमने जो थे 9000 में से हमारे 6000 डायमंड रह गए हैं, सिर्फ हमारे कुछ 3000 डायमंड लगे हैं सिर्फ दो बंडल्स को निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं दो बंडल्स और हैं उनको निकालने के लिए कितने डायमंड्स लगते हैं हमारे यहाँ पर।
तो भाई साहब एक बार फिर से कूपन तो हमारे पास कोई है ही नहीं है डिस्काउंट का, मतलब सीधा सीधा भाई 350 का एक क्रेट है भाई, 350 के 10 क्रेट ओपन हो रहे हैं। मुझे लगा था कि शायद इतने डायमंड्स लगा दिए कि अभी कोई बंडल निकल आएगा, कोई बंडल निकल आएगा, लेकिन भाई बंडल एक भी नहीं निकल रहा, सिर्फ हमारे टोकन्स ही निकलते जा रहे हैं ब्लैक पर्ल। तो यहाँ पर गाइस देखो भाई, मतलब सिर्फ कुछ ही, कोई बात नहीं, यहाँ पर फिर भी 17 डायमंड्स में से हम ये डायमंड नहीं सॉरी ब्लैक पर्ल उनके जरिए हम ये निकाल रहे हैं। तो निकालते हैं भाई हमारा एक और फीमेल का बंडल, न्यू ब्रांड न्यू रोजी ग्रीन बंडल जो है फीमेल का, बहुत ओपी लग रहा है। इसके हेयर सबसे ज़्यादा बेस्ट लगे हैं मुझे, तो इसका भी रिव्यू करेंगे आगे जाके बंडल का। तो यहाँ पर फाइनली हमने ये बंडल में निकाल रहे हैं, अभी हमारा रह गया है क्लोन का, नाइट क्लोन फीमेल बंडल रह गया है। तो उसके लिए देखते हैं हमारे कितने स्मिल लगते हैं और कितने डायमंड्स लगते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे इसके बाद हमारे फेडेड व्हील जो कि हमारा वन पंच मैन का वापस आ चुका है उसके बारे में। तो यहाँ पर हमने ओपन किया, अभी तक कुछ नहीं निकला है भाई, यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्टोन्स निकले हैं मुझे। तो एक बार फिर से ओपन करते हैं, और अभी मुझे गारंटी है कि हमारे इतने हो चुके हैं कि हम जाके एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भाई सिर्फ थोड़े से ही रह गए हैं, एक लास्ट बॉक्स हमें 350 वाला ओपन करना है भाई, और अब 100% हमारे ये निकल गए होंगे इतने कि हम उसको क्लेम कर सकें। तो भाई साहब यहाँ पर देख सकते हो, तो सिर्फ दो कम है भाई, मतलब क्या यार ग्रीना, वो भी दो दे देते, मेरे लास्ट में डायमंड लगवा रहे हो भाई। कोई बात नहीं, यहाँ पर दो रह गए हैं, अभी एक बॉक्स ओपन करेंगे उसमें से हमें दो निकल आएंगे, तो देखते हैं कितने निकलते हैं। अरे भाई फिर से एक निकला, कोई बात नहीं, एक और यहाँ पर भाई साहब। तो गाइज लाइक करते जाओ, वीडियो को शेयर करते जाओ भाई। यहाँ पर फाइनली हम अपना फीमेल का नाइट क्लोन निकाल रहे हैं बंडल। और गाइज मैं बताता चलूँ यार कि मैं आप लोगों को जो है वो डीजे लोगों को डायमंड्स का गिव अवे करता रहता हूँ, मैंने कल भी स्ट्रीम करनी थी लेकिन लाइट की वजह से स्ट्रीम नहीं कर सका, लेकिन कोई चक्कर नहीं है भाई। तो अगर आप लोग इस वीडियो पर देखकर ज़्यादा लाइक करते हो, तो भाई मैं आप लोगों में से किसी एक को गिव अवे दूंगा डायमंड्स का इसी वीडियो में। उसकी UID, अपनी UID भी दे देना भाई, और मुझे इंस्टा पर DM करना स्क्रीनशॉट लेके, जब आप मुझे गेम के अंदर फॉलो करोगे उसका, तो मैं भाई कोई एक लकी विनर को डीजे लोक और डायमंड्स 500 डायमंड्स सेंड करूंगा उस लकी विनर को। तो यहाँ पर भाई फाइनली हमने ये हमारा कर लिया है क्लेम भाई। तो अभी हम लोग बात करेंगे हमारे वन पंच मैन इवेंट की, फेडेड व्हील की भाई। वन पंच मैन का हमें जो फिस्ट है वो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर। तो फाइनली भाई, तो अभी लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर रिव्यू कर लेते हैं भाई हमारे बंडल्स का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मुझे एक्स्ट्रा में ये कुछ भी निकला है काफ़ी कुछ। तो बंडल्स में जाते हैं भाई, बंडल्स में देखते हैं हम बंडल। ये रहा भाई हमारा नाइट क्लोन जो कि मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता था। आप लोग बताओ कि आप लोगों को ये कैसा लगता है बंडल, और अगर आप लोगों से बात की जाए इन दोनों के बंडल्स की, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको दोनों बंडल में से कौन सा बंडल सबसे ज़्यादा ओपी लगा, मेल और मतलब ये वाला जो रोजी स्माइली जो मेल बंडल है इसमें से, और नाइट क्लोन बंडल में से कौन सा बंडल आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा भाई। मुझे तो भाई जो दोनों ही बंडल अच्छे लगे हैं, लेकिन जो हमारा रोजी स्माइली है उसके हेयर और फेस बहुत ज़बरदस्त ओपी लगा है, ज़बरदस्त लगा है। और नाइट क्लोन जो जोकर है हमारा, वो तो ऑब्वियसली भाई आप सबको पता है कि वो तो सबका फेवरेट है ही, तकरीबन था भी और है भी। तो यहाँ पर भाई हम लोग फाइनली रिव्यू कर लिया हमारे एक इवेंट का जो कि आया था। तो अभी बात करते हैं ये फाइनली हमारे पंच की भाई, पंच इमोट की, यार बहुत ओपी इमोट है भाई। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर भाई हमारा इवेंट जो है फेडेड व्हील, दो दो फेडेड व्हील, मतलब इमेजिन गाइज, एक स्कार का फेडेड व्हील और एक ये वाला फेडेड व्हील, दो दो फेडेड व्हील एक साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपना खोलते हैं भाई फेडेड व्हील को, और इसमें देखें कि हमारे कितने डायमंड्स लगते हैं इस पर। तो यहाँ पर हमें जो है कोई कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है भाई, हमें यहाँ पर जो है हमारे दो सबसे नकम्मी चीज़ें जो है उसको निकालना है उनको। तो आप लोगों को पता है कि नकम्मी चीज़ें फ्री फायर वाले साथ में लाजमी देते हैं निकालने के लिए। तो यहाँ पर भाई हम अपना स्कैनर नहीं, बॉन्टी टोकन और साथ में एयर ड्रॉप को जो है उनको ख़त्म करते हैं, दो नकम्मी चीज़ें निकालते हैं, और देखते हैं अभी हमारे कितने और डायमंड्स लगते हैं इस सब पर। तो फाइनली सबसे पहला हमारा जो स्पिन है वो है 9 डायमंड्स का। तो 9 डायमंड हमारे जो उनको वेस्ट करते हैं इस पर। और मैं एक बार बता दूं भाई, मुझे जहाँ तक यकीन है ना कि ग्रीना वाले मुझे जो है ना ये चीज़ें सबसे लास्ट में देते हैं, मतलब जो मेन रेयर चीज़ें होती हैं वो सबसे लास्ट में निकलते हैं मुझे हमेशा की तरह फेडेड व्हील में से। तो आज चेक करते हैं और देखते हैं कि भाई हमें कितने का लास्ट में निकलती हैं ये चीज़ें। तो यहाँ पर हमें एक निकल चुका है क्रेट हमारी M4A1 का 9 डायमंड में, तो एक ही क्रेट निकला है, ज़्यादा नहीं निकला, सिर्फ एक निकला। अभी हम स्पिन करेंगे हमारी 29 डायमंड का, और इसमें देखते हैं क्या निकलता है स्कैनर। ओ भाई मुझे लगा एक सेकंड के लिए कि हमारा पंच निकल रहा है, लेकिन नहीं भाई। तो यहाँ पर अगला हमारा स्पिन किया, तो हमें P90 का क्रेट निकल चुका है जो कि मेरे पास ऑलरेडी परमानेंट पड़ी है भाई,
कोई बात नहीं, 50 का एक और स्पिन मारते हैं। यहाँ पर इस स्पिन में देखेंगे हम कि हम लोगों को क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भाई हम लोगों को स्कैनर देखने को मिल रहा है। भाई आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कौन से स्पिन में पंच फिस्ट की स्किन और पंच का इमोट जो है वो मिला आप लोगों को कितने स्पिन में, ज़रूर कमेंट करके बताना, और कितने डायमंड्स लगे। और यहाँ पर अब हमने फाइनली भाई अगला स्पिन जो है वो कर दिया हमारा। इसमें देखते हैं कि हम लोगों को एक फूड निकले वो भी पेट की। भाई कोई बात अभी 200 डायमंड्स का स्पिन है और हमारे पास चार चीज़ें पड़ी हैं, और देखते हैं अभी शायद अभी हमारा जो है लक वो चल जाए। लेकिन बोला भाई नहीं तुझे तो हम देंगे, सबसे पहले स्किन तो दे रहे हम उनकी मतलब ट्रायल पर, वो भी परमानेंट निकलेंगी, वो भी कुछ दिनों पर दिनों के लिए ही निकलेंगी। तो यहाँ पर हम फिर से स्पिन कर रहे हैं और यहाँ पर मुझे भी लगा कि शायद तो भी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे फाइनल राउंड में, जिसमें हम या तो हम लोगों को निकलेगा भाई यहाँ पर 300 डायमंड में, तो देखते हैं क्या निकलता। तो यहाँ पर हमें जो है इमोट निकल चुका है, फाइनली हमारा यहाँ पर आ चुका है भाई, और हमारा जो पीछे रह गया भाई वो है हमारी नहीं कर सकते पहले ख़त्म करना होगा। यहाँ पर फाइनली निकाल लिया मुझे, तो आप लोग दे सकते हो सबको सब मतलब हर एक चीज़ जो थी खत्म मतलब निकालने के बाद ही दोनों चीज़ें निकली। आप लोग करना है कि आप लोगों को से मतलब लक कितना आपका इंक्रीज है और आपको कितने से लक में ही ये दोनों चीज़ें निकल आई। और यहाँ पर आप लोग डायमंड देख सकते हो भाई मेरे पास कितने रह गए हैं, मतलब मेरे 2500 डायमंड जो है इस इवेंट पर लगे हैं। 2500 डायमंड थोड़े नहीं होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा होते हैं। दो फिस्ट की स्किन, एक इमोट और एक फिस्ट की स्किन। फाइनली ये रही हमारी फिस्ट की स्किन, माइटी फिस्ट जिसका नेम है भाई, बहुत ओपी स्किन लग रही है मुझे, बहुत ज़बरदस्त स्किन लग रही है इस वक्त, क्योंकि वो है ही वैसी नेक्स्ट लेवल की स्किन इस वक्त अभी देखने को लग रही है। यहाँ पर यहाँ पर हमारा जो पुराना फिस्ट है उससे बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसमें हमें पंच देखने को मिल रहा है, लेकिन पुराने में ये चीज़ नहीं है। न्यू वाले में हम लोग को पूरा फिस्ट देखने को मिल रहा है, मतलब उसके साथ पंच लेकर। तो ये है भाई हमारा फिस्ट जो कि हमने क्लेम कर लिया। तो अभी हम चलेंगे भाई हमारे इमोट की तरफ, और इमोट में देखेंगे कि हमें कौन सा इमोट हटाना है। तो चलते हैं भाई हम लोग बिना टाइम वेस्ट के हमारे इमोट की तरफ। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो एक बार इसकी लुक भाई नेक्स्ट लेवल है। तो इमोट में सबसे पहले भाई मुझे लग रहा है कि हम लोगों को ये वाला इमोट खत्म करना चाहिए, तो और इसकी जगह हमें कौन सा इमोट लगाना चाहिए, क्योंकि हमें भूया पर सबसे पहले वो वाला एक एक है इसको लेके आते हैं। तो जो हमारा वन पंच मैन है उसको लेके आएंगे नंबर वन पर, क्योंकि हमें अभी पूजा पर वही करना है, क्योंकि वो भी न्यू आया, थोड़ा शो हो जाएगा गेम। यहाँ पर हम लोगों ने भाई हमारा जो एक एक का ट्रैक है वो नीचे कर दिया स्पिन, और यहाँ पर नंबर वन पर ले आए पूजा पर हम लोग हमारा वन पंच लग रहा है। दिल में कवर कर लिया, इसके साथ साथ भाई हमारे और भी काफी सारे न्यू इवेंट्स आ रहे हैं, और भाई साहब उनको भी कवर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हमारा जो न्यू टॉप अप इवेंट आया उसको भी देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारा न्यू टॉप अप इवेंट है आप देख सकते हो, उसमें हमें सिर्फ एक डायमंड के टॉप अप पर 3 रूम कार्ड्स मिल रहे हैं, 3 रूम कार्ड एक डायमंड के टॉप अप पर भाई। और उसके अलावा यहाँ पर हमारा जो है 300 के डायमंड पर मिल रहा है भाई ब्लू और नहीं सॉरी गन की स्किन, और 500 के डायमंड पर टॉप अप पर। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो भाई, तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर भी कर देना और वीडियो को भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।